हाँ तो गाइस गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आपको इंस्टा पे प्रॉमिस किया था कि आपके उठने से पहले आपका लिंक पहुंच जाएगा, तो पहुंच चुका है। सो आज क्या रिवाइज करने वाले, आज रिवाइज करने वाले प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। भाई साहब कितना बड़ा टॉपिक यार, खत्म ही नहीं होता। तो हमारे साथ खत्म हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। शॉर्ट स्पैन में करेंगे, मतलब पूरा एक साथ नहीं करेंगे। पूरा एक साथ करेंगे तो क्या बेसिकली प्रॉब्लम होगा कि इतना सारा सेक्शन से एक साथ आ जाता है तो याद नहीं होता। तो आज हम लोग का प्लान क्या, डेप्रिसिएशन तक आज खत्म करते हैं। तो सेक्शन 28 जो चार्जिंग सेक्शन है वो करेंगे, 29 करेंगे, 30 करेंगे, 31 करेंगे, 32 करेंगे, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसमें क्या, प्रॉफिट एंड गेन्स एक हो गया। प्रॉफिट का मतलब आपको पता है, उस पर ज्यादा नहीं जाते। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, दोनों इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। देखिए जितनी भी डेफिनेशंस होगी इनकम टैक्स में दो टाइप की होगी, एक तो मीनिंग दिया रहेगा इट मीन्स ये, और दूसरा रहेगा इट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का पर्पस क्या होता है कि अभी ये ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर डाला है। जैसे इनकम का डेफिनेशन है वो भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो इंक्लूसिव क्यों डालते हैं कि फ्यूचर में कुछ और ऐड करना है। तो ये ऐसे नहीं बताएंगे इसका मतलब ये हो गया, इसका बिजनेस के अंदर ये चीजें इंक्लूडेड होगी, ये बात कर रहे हैं। तो क्या क्या इंक्लूड होगा, ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा, मैन्युफैक्चर होगा और एनी एडवेंचर। एडवेंचर इंपॉर्टेंट है। एडवेंचर का मतलब क्या हो जाता है, रिस्क के लिए। पर ये एक भंगार सा डेफिनेशन दिया हुआ है, इससे कुछ समझ थोड़ी पड़ा है कि भाई बिजनेस। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था बरेंद्र प्रसाद रे में, बरेंद्र प्रसाद रे के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें बताया गया था बिजनेस क्या होता है। तो इधर थोड़ा बहुत सटीक डेफिनेशन मिलता है कि क्या बिजनेस इंप्लाइज, बिजनेस क्या इंप्लाई करता है। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक है और ऑर्गेनाइज है। क्या एक्टिविटी, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज एक्टिविटी किसको अप्लाई करने से, या तो लेबर को अप्लाई करने से या उसका स्किल अप्लाई करने से। ये अभी जो लाइन आ रहा है विथ डोमिनेंट इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, सबसे मेन इंटेंशन बिजनेस का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। तो बिजनेस एम्प्लाइज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी बाय अप्लाइंग लेबर एंड स्किल विथ डोमिनेंट इंटेंट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का मेन मोटिव होना चाहिए। फिर आ जाता है प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। तो इनकम टैक्स में डेफिनेशन क्या दिया, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, बस खत्म हो गया, यही डेफिनेशन दिया। तो वोकेशन का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। वोकेशन का मतलब बाजू में दिया हुआ है, ये देख लीजिए ब्लैक में। वोकेशन मतलब क्या, एनी ऑक्यूपेशन रिक्वायर्स एनी काइंड ऑफ स्किल, कोई भी टाइप की स्किल रिक्वायर है वो वोकेशन है। स्किल का मतलब ये नहीं है कि डिग्री कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, कोई भी तरीके का स्किल चलेगा, वो प्रोफेशन में आ जाता है। फिर अभी हम लोग बात करते, देखिए आपने पीजीबीपी के क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो आप लोग ने कैसे किए रहेंगे, प्रॉफिट ले लिया रहेगा, उसमें से कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजें लेस करते हैं, ठीक है। तो ऐड लेस करने के लिए प्रॉफिट आएगा कहाँ से, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ दिए, तो सेक्शन 145 में दिया इनकम टैक्स के। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ये मैं 145 बड़ा है, उसके तीन सब सेक्शन है। मैं ये बेसिक बता रहा हूँ कि अपने को आइडिया हो, ये तीन सेक्शन जस्ट आइडिया के लिए कि अपने को बेसिकली करना क्या है पीजीबीपी में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या 145 सेक्शन है। 145 सेक्शन क्या बोलता है, अगर किसी भी एसएससी का पीजीबीपी अदर सोर्सेस का इनकम है तो मेंटेन कर सकता है, इधर तो मर्केंटाइल या फिर कैश, जो वो रेगुलरली फॉलो करेगा चलेगा। फिर जैसे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, इंड एएस होते हैं अपने अकाउंटिंग के लिए, पहले जो इनकम टैक्स के लिए भी यही फॉलो होते थे, पर बीच में ऐसा हुआ कि जैसे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है, वो कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल देता है। वो क्या बोलता है कि जो लॉस है वो पहले, अगर फ्यूचर लॉस तुम लोग को दिख रहा है तो पहले ही बुक कर दो अभी। पर इनकम टैक्स तो इसके अपोजिट बोलता है। इनकम टैक्स क्या बोलता है कि अगर लॉस अभी बुक करेंगे तो टैक्स नहीं मिलेगा। तो इसके वजह से इनकम टैक्स वालों ने खुद के अपने आईसीडीएस नोटिफाई किया। आईसीडीएस क्या होता है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। ये एक अलग तरीके से चैप्टर की तरह कर लेंगे, तो अभी इस पर बात नहीं करते, ठीक है। तो तीन चीजें सीखी, पहला बिजनेस, बिजनेस का क्या मतलब है, विद डोमिनेंट इंटेंट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट। ये बरेंद्र प्रसाद रे के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में बोला था। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब वोकेशन होता है, वोकेशन क्या, कोई भी स्किल। फिर थर्ड पार्ट आ जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लिया। इसके बाद आता है अपना चार्जिंग सेक्शन। पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन क्या, चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है कि पीजीबीपी चार्ज कब होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन चार्ज कब होगा। तो पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन में दो टाइप के चार्ज है, एक तो जनरल चार्ज है, दूसरा स्पेसिफिक चार्ज है। ये जो पहला पॉइंट है ये जनरल चार्ज के बारे में बोल रहे हैं, और नीचे के पॉइंट है वो स्पेशल चार्ज के बारे में। स्पेशल चार्ज के ऊपर अलग अलग सेक्शन है, वो देख लेंगे। पहले जनरल चार्ज के बारे में बात करते हैं। जनरल चार्ज क्या बोलता है, एनी प्रॉफिट एंड गेन्स, एनी कोई भी तरीके का प्रॉफिट या गेन, कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न करता है। प्रॉफिट एंड गेन कैसे अर्न कर रहे? बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न कर रहे। कैरिड कौन कौन अर्न कर रहा है? एसएससी अर्न कर रहा है। कब अर्न कर रहा है? प्रीवियस ईयर में। 4 पॉइंट है, देखिए क्या कर रहे? प्रॉफिट एंड गेन अर्न कर रहे। कैसे कर रहे? बिजनेस एंड प्रोफेशन से कर रहे। कौन कर रहा है? एसएससी कर रहा है। कब कर रहा है? प्रीवियस ईयर में कर रहा है। प्रीवियस ईयर जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया क्या सेक्शन 3 में आता है, 3 पार्ट होते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अगर बिजनेस बीच में स्टार्ट किया तो बिजनेस जब से स्टार्ट हो रहा है तब से लेकर 31 मार्च, बिजनेस बीच में बंद हो गया तो 1 अप्रैल से लेकर जब तक बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड पहला ही जनरल चार्ज है कि प्रॉफिट एंड गेन्स कौन कैसे हो रहा है? बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो रहा है। कौन कर रहा है? एसएससी कर रहा है। कब कर रहा है? एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कर रहा है। फिर ये जो चार्जिंग सेक्शन में कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रॉफिट है, अगर आप सेल करते हो, सेल किसका करते हो? इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस का कर रहे हो। जो आपको इंपोर्ट करने का जो लाइसेंस है, एंटाइटलमेंट के लिए लाइसेंस दिया, अगर उसको आप सेल कर रहे हो और उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है। और दूसरा क्या? डीईपीबी और डीआरसी। डीईपीबी क्या है? ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, और डीआरसी क्या है? ड्यूटी रेमिशन स्कीम। अगर ये 2 चीज आप सेल कर रहे हो और इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो चार्ज पीजीबीपी पे होगा। फिर आ जाता है एक्सपोर्ट रिलेटेड कौन सा पॉइंट? कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है गवर्नमेंट से, और दूसरा ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है। ये आपको कस्टम में आ जाएंगे बेसिकली, अभी पूरा मीनिंग बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये इस पे आपको ये बेनिफिट मिल रहा है तो ये भी आपको पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे। फिर आता है कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस का बेसिक ये समझ लीजिए कि कीमैन इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी आपका सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई है और उसके लिए आप इंश्योरेंस करा, तो उसमें क्या, अगर वो एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो वो पीजीबीपी में चार्ज होगा, एम्प्लॉय को मिल रहा है तो सैलरी में चार्ज होगा, और कुछ और रीजन है तो अदर सोर्स में चार्ज होगा। गिफ्ट फ्रॉम बिजनेस, अगर कोई गिफ्ट से बिजनेस से गिफ्ट मिल रहा है तो पीजीबीपी में चार्ज होगा। फिर क्या? इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन रिसीव बाय पार्टनर। पार्टनर को मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। किसको? पार्टनर को मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से मिल रहा है, तो वो पीजीबीपी में चार्ज होगा। फिर नॉन कम्पीट फीस। नॉन कम्पीट फीस का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये समझिए कि अगर समझो कि 2 बिजनेस है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को पैसा दे रहा है कि आपको ये बिजनेस नहीं करना है, ये बिजनेस यहाँ से नहीं करना है, या कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है, उसका पैसा दे रहा है, तो वो भी अपना पीजीबीपी में चार्ज होगा। फिर ये देखिए, ये जो मैंने पॉइंट बनाया वो सब रिलेशन है। एक्चुअली जो एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉइंट है वो 4-5 है, तो उसको क्या एक साथ मर्ज कर दिया। अभी क्या? कीमैन इंश्योरेंस, कीमैन इंश्योरेंस, गिफ्ट और इंटरेस्ट, पार्टनर्स, ये तीनों एक पार्टनर। देखो कोई फर्म के कीमैन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिफ्ट कीमैन को मिलता है और कीमैन इंश्योरेंस। ये कैसा? एक लाइन से तो आपको याद रहेगा। बेसिकली ये रट्टा मत मारना, ये समझ लेना कि चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या आते हैं, वो बस इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आ जाता है? नॉन कम्पीट फीस हो गया। फिर कंपेंसेशन। कंपेंसेशन क्यों मिल रहा है? टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू बिजनेस। आपको कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए या उसका चेंज करने के लिए टर्म, अगर आपको कंपेंसेशन मिल रहा है तो वो भी अपना पीजीबीपी में चार्ज होगा। फिर लास्ट क्या है? जैसे आपने कैपिटल गेन में पढ़ा रहेगा कि अगर कैपिटल असेट हो रहा है कन्वर्ट किस में? स्टॉक इन ट्रेड में, तो अपना कैपिटल गेन लगता है। तो रिवर्स केस देखते हैं, अगर स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में ट्रांसफर हो रहा है तो क्या जिस दिन का एफएमवी रहेगा, जिस दिन वो ट्रांसफर हो रहा है, तो वो पीजीबीपी में चार्ज होगा। तो अभी तक क्या पढ़ा? पहला जनरल चार्ज था। जनरल चार्ज में क्या बोला था? कोई भी प्रॉफिट एंड गेन होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन से होता है, कौन करता है? एसएससी करता है। कब करता है? प्रीवियस ईयर में करता है, तो वो तो पीजीबीपी में चार्ज होगा। फिर कुछ स्पेसिफिक चार्ज थे, वो क्या था? पहले एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉइंट है, अगर इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस सेल करते हो, डीईपीबी सेल करते हो, डीआरसी सेल करते हो, इससे अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये अपना पीजीबीपी में चार्ज होगा। कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट और ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है तो पीजीबीपी में। फिर 3 कीमैन के रिलेटेड है, कीमैन रिलेटेड इंश्योरेंस एम्प्लॉयर का है तो पीजीबीपी। फिर गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट किसको मिलता है? कीमैन को मिलता है। जनरली कहाँ से मिल रहा है? बिजनेस। एक्चुअली किसको भी मिलेगा, तो मैंने जस्ट याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। गिफ्ट फ्रॉम बिजनेस हो रहा है तो कीमैन पीजीबीपी में चार्जेबल होगा। फिर इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन रिसीव बाय पार्टनर्स फ्रॉम पार्टनर को मिल रहे फर्म से, पार्टनर भी जनरली कीमैन ही होते हैं, तो उसको मिल रहा है तो पीजीबीपी में चार्ज होगा। फिर क्या? 2 कंपेंसेशन और नॉन कम्पीट फीस। नॉन कम्पीट फीस और कंपेंसेशन मैंने आपको बता दिया। फिर अगर एफएमवी हो रहा है कन्वर्ट किसका? स्टॉक इन ट्रेड का। कैसे? कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल एसेट में, और उस दिन जो एफएमवी है वो पीजीबीपी में चार्ज होगा, ठीक है। फिर सेक्शन 29 की बात करते हैं। सेक्शन 28 हो गया। सेक्शन 29 क्या बोलता है कि भाई पीजीबीपी आपको कंप्यूट करना है तो आपको सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 43 डी के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, बस यही बोला है। तो अभी आगे आते हैं कि सेक्शन 30 क्या है, 31 क्या है। 30 बोलता है कि अगर आपकी कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के रिलेटेड कोई आप एक्सपेंस कर रहे हो तो किस हिसाब से अलाउड होंगे, किस हिसाब से नहीं अलाउड होंगे। और 31 क्या बोलता है? अगर आप प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर के रिलेटेड एक्सपेंस कर रहे हो तो किस हिसाब से अलाउड होंगे। पहला आ जाता है कि अगर बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, तो क्या रेंट किसको अलाउड होगा? जो टेनेंट जो भाड़े पे रह रहा है उसको ही अलाउड होगा। ओनर को भाई रेंट क्यों अलाउड होगा? जो रेंट पे कर रहा है उसको अलाउड होगा। पर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर केस में रेंट अलाउड नहीं होगा, सिर्फ बिल्डिंग के केस में रेंट अलाउड होगा। बिल्डिंग के केस में सिर्फ रेंट अलाउड होगा, ठीक है। फिर आ जाता है अगर रेट टैक्स इंश्योरेंस एंड रेवेन्यू रिपेयर्स। रेट एंड टैक्स सिर्फ बिल्डिंग वालों को अलाउड रहेंगे, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर की हम लोग बात करते हैं तो उस पर कौन सा रेट एंड टैक्स आता है? बिल्डिंग पे तो कैसा अपन म्यूनिसिपल टैक्स भरते हैं, रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स भरते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो रेट्स एंड टैक्स जो होते हैं वो सिर्फ बिल्डिंग को अलाउड होंगे। इंश्योरेंस दोनों को अलाउड होगा, बिल्डिंग को भी अलाउड होगा, प्लांट एंड मशीनरी को भी अलाउड होगा। रिपेयर्स की बात करें, रिपेयर्स कौन सा, रेवेन्यू रिपेयर होगा या कैपिटल रिपेयर होगा? रेवेन्यू रिपेयर हमेशा अलाउड रहेगा। अगर रेवेन्यू रिपेयर कोई कर रहा है टेनेंट तो वो अलाउड रहेगा। तो यहाँ पे एक इश्यू आता है, समझो एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि रेवेन्यू रिपेयर्स टेनेंट को करना अलाउड नहीं है, तो क्या होगा? तो वो सेक्शन 30 में अलाउड नहीं होगा, बट सेक्शन 37 जो अपने जनरल डिडक्शन होते हैं, 3 केस रहते हैं, वो आगे बात करेंगे, तो उसमें वो अलाउड हो जाएगा। रेवेन्यू रिपेयर्स हमेशा अलाउड रहेगा। रेट एंड टैक्स कैसा, सिर्फ बिल्डिंग को अलाउड रहेगा। रीजन क्या है कि प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स जनरली बिल्डिंग में होते हैं, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी में कौन से टैक्स होते हैं? इंश्योरेंस सबको अलाउड होगा। फिर कैपिटल रिपेयर अगर किया तो पीएनएल में तो डिसअलाउ होगा, बट उसको एज अ कॉस्ट ऑफ एसेट ले सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ एसेट ले सकते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट, उसका डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। अगर कैपिटल रिपेयर टेनेंट करता है, मतलब जो भाड़े पे रह रहा है वो करता है, तो उसका क्या होगा? कैपिटल रिपेयर अगर टेनेंट कर रहा है तो क्या होगा? तो उसको डीम्ड बिल्डिंग मान लिया जाएगा, एक्चुअली बिल्डिंग नहीं है पर डीम्ड बिल्डिंग मान लिया जाएगा, और उसके ऊपर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। तो 4 पॉइंट पड़े। पहला क्या, रेंट वाला पॉइंट पड़ा था। रेंट तो सिर्फ जो भाड़े पे रहेगा वही क्लेम कर सकता है, और सिर्फ बिल्डिंग के लिए कर सकता है। दूसरा, रेट एंड टैक्स सिर्फ बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं, रीजन बता दिया। फिर इंश्योरेंस दोनों कर सकते हैं, मतलब 30 में भी अलाउड होगा, 31 में भी अलाउड होगा। रेवेन्यू रिपेयर्स अलाउड है, हमेशा अलाउड रहेगा, ठीक है। कैपिटल रिपेयर्स में क्या केस है, पीएनएल में तो डिसअलाउ हो जाएंगे, बट आप कॉस्ट ऑफ एसेट में उसको ले सकते हो और उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट आता है, अगर टेनेंट ने भरा तो उसको वो डीम बिल्डिंग क्लेम करेगा। डीम मतलब क्या, मान लिया जाएगा, बिल्डिंग है नहीं पर वो बिल्डिंग मान लिया जाएगा, या फिर डीम प्ला जो भी, वो मान लिया जाएगा और उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। फिर राउंडिंग ऑफ वाला, ये एक आपके सम करते रहोगे तो क्या, अगर आप राउंड ऑफ नहीं करते हो तो आपके बिना मतलब का आधा 1 मार्क्स काट लिया जाता है। 288 ए क्या बोलता है, इनकम राउंड ऑफ का बोलता है। 288 बी क्या बोलता है, टैक्स राउंड ऑफ का। दोनों राउंड ऑफ होंगे मल्टीपल ऑफ ₹10 में। अगर मतलब समझो 6 रुपया टैक्स आ रहा है तो वो ₹10 टैक्स होगा, 666 आ रहा है तो 670 होगा। आप समझ सकते हो कि ₹10 में राउंड ऑफ हो गया, इनकम भी ₹10 में होता है, टैक्स भी ₹10 में होता है। फोकस लास्ट फिगर में करना तो क्या इजीली निकल जाएगा। तो अभी तक क्या पढ़ लिया, 28 पढ़ लिया, चार्जिंग सेक्शन था, 2 चार्ज थे, जनरल चार्ज, स्पेशल चार्ज। फिर कौन सा पढ़ा, 29 पढ़ा। 29 में क्या बोल रहे थे, 29 में कि सेक्शन 30 से लेकर 43D तक देख लो तो उसमें से कंप्यूट हो जाएगा पीजीबीपी। 30 और 31 देखा, 30 किसके लिए, बिल्डिंग के रिलेटेड एक्सपेंस, 31 किसके लिए, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर के लिए एक्सपेंस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन भाई बहुत बड़ा सेक्शन है, अच्छे से ध्यान मन लगा के सुनो, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और हो सके तो यहीं पे याद कर लो, इसके बाद नहीं करना पड़े। डेप्रिसिएशन का क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन रहेंगे, यूज बेस्ड कंडीशन रहेगा, ओनरशिप बेस्ड कंडीशन रहेगा। अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो या प्रोफेशन में यूज कर रहे हो, पहला कंडीशन, किसके एक्टिव भी यूज चलेगा, पैसिव भी यूज चलेगा। पैसिव यूज मतलब क्या, आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रख दिया, अभी उसका रोज थोड़ी आग लगती है, कभी कभी लगेगी, मतलब पैसिव यूज में, पर आप उसका डेप्रिसिएशन ले सकते हो। पहला कंडीशन क्या है, यूज किसके लिए होना चाहिए, या बिजनेस के लिए होना चाहिए या प्रोफेशन के लिए। एक्टिव यूज भी चलेगा, पैसिव भी चलेगा। ओनरशिप, बिजनेस में ओनरशिप होना चाहिए। तो क्या आप ये ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन पे ओनर नहीं है बट यूज कर रहा है एज ए ओनर, तो अलाउड होगा। हाँ, तो मैसूर मिनरल्स लिमिटेड का लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें बोला हुआ है कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है या रजिस्ट्रेशन में उसका नाम नहीं है, वो इररिलेवेंट है, बेनिफिशियल ओनर भी अलाउड होंगे। तो अभी तक क्या पड़ा, यूजेस किसके लिए, या तो बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए। एक्टिव यूज भी चलेगा, पैसिव भी चलेगा। ओनरशिप, एसेट का ओनरशिप होना चाहिए, बेनिफिशियल ओनर भी अलाउड है। फिर लेसर और हायर परचेस, ये चैप्टर साथ में आते हैं। तो लीज के केस में क्या होगा, लीज के केस में हमेशा लेसर ही लेगा डेप्रिसिएशन। उसका रीजन क्या है, अगर लेसी लेने लग गया तो लेसी क्या, एक तो पीएनएल में एक्सपेंस भी क्लेम कर देगा जो रेंट पे कर रहा है, लीज रेंटल पे कर रहा है, और दूसरा डेप्रिसिएशन भी ले लेगा और उसको डबल डिडक्शन मिल जाएगा, जबकि लेसर को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए लेसर डेप्रिसिएशन हमेशा इनकम टैक्स में लेसर ही क्लेम करेगा। अकाउंट्स में अलग कंसेप्ट है, इनकम टैक्स में अलग है, हमेशा लेसर ही डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। हायर परचेज के केस में क्या होता है, आप इंस्टॉलमेंट भरते रहते हो 10 साल भरा, 10 साल के बाद असेट आपके नाम पे ट्रांसफर होती है, ठीक है। पर इस केस में क्या है कि जब से वो असेट आपके पास है तब से आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, फ्रॉम बिगनिंग कर सकते हो। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है, पार्ट ओनरशिप। अगर आप पूरे ओनर नहीं है, आधे अधूरे ओनर हो, मतलब क्या 50% मेरे नाम पे 50% मेरी वाइफ के नाम पे, तो जितना मेरे नाम पे उतना मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ। फिर रीवैल्यूएशन का इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा, प्लीज ध्यान रखना कि अगर कोई रीवैल्यूएशन वगैरह दिया है तो इनकम टैक्स में नहीं आएगा, फिर डेप्रिसिएशन के केस में नहीं आएगा। फिर क्या आता है, डेप्रिसिएशन पुट टू यूज के, अगर डेप्रिसिएशन कब से मिलेगा, पुट टू यूज से मिलेगा, रेडी टू यूज से नहीं मिलेगा। बट रेडी टू यूज के लिए कुछ एक्सेप्शन है। जनरली कैसे मिलेगा डेप्रिसिएशन, जिस दिन आप पुट टू यूज कर लोगे, जिस दिन आप पुट टू यूज असेट कर लोगे, उस दिन से आपको, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पुट टू यूज एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, एमसीक्यू में भी करेगा। पुट टू यूज जिस दिन करते हो उस दिन से आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। पर उसका एक एक्सेप्शन है, अपना एक केस लॉ है हाईकोर्ट का, मद्रास हाईकोर्ट का, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसमें क्या बोला है कि एबनॉर्मल केस में आप रेडी टू यूज में भी कर सकते हो, जैसे स्टैंड बाय मशीनरी हो गया, इमरजेंसी स्पेयर आपने रखे हुए कि समझो एक मशीन के लिए एक पार्ट एक्स्ट्रा रखा हुआ है कि कभी ये खराब हो गया तो ये भी यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन मैंडेटरी होगा। डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं है कि आप कभी ले रहे हो कभी नहीं ले रहे हो, बोलोगे ये तो खर्चा है, मुझे जब क्लेम करना है करूंगा, ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन है, जैसे बहुत सारे ऐसे डिडक्शन है, जब भी आपको कुछ 5 साल के लिए समझो कि 100% एक्सपेंस अलाउड होता है, मतलब 100% प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाता है, जैसे 10AA वाला आप लोग ने किया था। तो उसमें कैसा, अगर 5 करोड़ तो 5 करोड़ पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि वो 5 साल डेप्रिसिएशन लेंगे नहीं, 6ठे साल से लेना चालू करेंगे, जिसकी वजह से क्या वो टाइम पे पूरा प्रॉफिट ले लिया और उसके बाद और डेप्रिसिएशन ले रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन 5 डाला सेक्शन 32(1) में, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लेना मैंडेटरी है। फिर अभी तक क्या पड़ा, डेप्रिसिएशन की कंडीशन क्या, यूज बेस्ड कंडीशन, ओनरशिप बेस्ड कंडीशन। यूज बिजनेस में होना चाहिए, प्रोफेशन में होना चाहिए, एक्टिव भी चलेगा पैसिव भी चलेगा, ओनरशिप बेनिफिशियल ओनर भी चलेगा, मैसूर मिनरल का केस लो। फिर लेसी और लेसर लीज और हायर परचेज के केस में क्या होगा, लीज के केस में हमेशा लेसर ही लेगा, हायर परचेज बिगिनिंग से ले सकते हैं। फिर पार्ट ओनरशिप है तो टू द एक्सटेंट रिवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं देखना। डेप्रिसिएशन पुट टू यूज इंपॉर्टेंट है, बट चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का केस लॉ है, उसमें आप देख सकते हो कि कुछ एबनॉर्मल केस में आप रेडी टू यूज भी ले सकते हो, डेप्रिसिएशन मैंडेटरी। फिर क्लासिफिकेशन कैसा है, आप ये समझ लीजिए कि एक टेंजिबल है एक इंटेंजिबल है। टेंजिबल असेट का अलग क्लासिफिकेशन, इंटेंजिबल असेट का अलग क्लासिफिकेशन। टेंजिबल में 3 फर्दर पार्ट है, बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग में क्या आ जाएगा, टेम्पल भी बिल्डिंग के अंदर आ जाएगा। टेम्पल कैसे बोलोगे, अगर कोई बिल्डिंग है और उसके अंदर मंदिर है तो वो क्या, तो वो भी बिल्डिंग में आता है। फर्नीचर है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी से 4 चीजें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड हुई है। 4 चीज में क्या आ जाएगा, पहला जो आपको ये दिख रहा है बिल्डिंग एक्सक्लूड है, बिल्डिंग जो आपको सामने दिख रही है वो एक्सक्लूड है। फिर फर्नीचर एक्सक्लूड है, फिर बिल्डिंग एक्सक्लूड है, फर्नीचर एंड फिक्सचर एक्सक्लूड है, फिर क्या एक्सक्लूड है, टी बुसेस एक्सक्लूड है, और चौथा लाइव स्टॉक जो एनिमल होते हैं वो एक्सक्लूड है। प्लांट एंड मशीनरी में 4 चीज स्पेसिफिकली नहीं आएगी, एमसीक्यू आ सकता है। कौन सा बिल्डिंग जो आपको पहले दिख रहा है वो नहीं आएगा, फिर फर्नीचर नहीं आएगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिर अपना टी बुसेस नहीं आएगा, फिर लाइव स्टॉक नहीं आएगा। रेट शेड्यूल में दिया जो हम लोग एकदम लास्ट में कर लेंगे, मैंने पीछे इंस्टीट्यूट का PDF अटैच कर दिया। फिर सिस्टम क्या होगा, या तो WDV होगा या SLM होगा। SLM किसके लिए होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, SLM किसके लिए होता है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्लास के SSC होते हैं, वो SLM ले सकते हैं। और WDV बाकी कोई भी ले सकता है। WDV में क्या लिखा कि सेम रेट होनी चाहिए, सेम क्लास ऑफ असेट होना चाहिए। मतलब एक ब्लॉक कैसे बनाएंगे हम लोग, एक ब्लॉक बनाएंगे, रेट भी सेम होनी चाहिए, उसकी क्लास भी सेम होनी चाहिए। क्लास हम लोग ने देखी थी, क्लास 1 में क्या आता है, बिल्डिंग आता है, क्लास 2 में क्या आता है, फर्नीचर आता है, क्लास 3 में प्लांट एंड मशीनरी आता है, क्लास 4 में इंटेंजिबल असेट आता है। याद रखना कंपलसरी है, बिकॉज तभी आपका ब्लॉक बनेगा। बिल्डिंग का अलग ब्लॉक है, फर्नीचर अलग है, प्लांट एंड मशीनरी अलग है, इंटेंजिबल असेट अलग है, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक बनाने के लिए 2 कंडीशन है, रेट भी सेम होना चाहिए, क्लास भी सेम होना चाहिए। रेट आगे देखेंगे, क्लास मतलब बिल्डिंग में बिल्डिंग ही आनी चाहिए, प्लस वो बिल्डिंग का रेट भी सेम होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी में आपको पता रहेगा बहुत सारी अलग अलग रेट्स होती है, तो रेट भी सेम होनी चाहिए और वो प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में भी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जितना प्रैक्टिस कर सको। ये देखो, ये तो वीडियो जो है ना आप एक दो बार देख लेना, ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रैक्टिस। डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस में प्रैक्टिस सबसे जरूरी है भाई, तो वो कर लेना, ठीक है। तो सेम रेट सेम क्लास होना चाहिए, तो वो ब्लॉक बनेगा। ब्लॉक का प्रैक्टिस अच्छे से करना, एमसीक्यू में घुमा घुमा के पूछने वाले। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन अगर ब्लॉक मेथड है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ले लो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। क्या लेना है? सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या होता है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का मतलब होता है जो आपका एक्चुअल कॉस्ट था जब आपने खरीदा था, एक्चुअल कॉस्ट में से अब तक जितना डेप्रिसिएशन है वो लेस कर दो, तो वो आ गया ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ठीक है। उसमें क्या करना है? उसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट जो एक्वायर किया है वो ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है? तीन पार्ट में ऐड करना है। जो एसेट पुट टू यूज 180 डेज और मोर किया है उसको ऐड कर दो। सेकंड पार्ट में जो लेस देन 180 डेज है उसको ऐड कर दो। और थर्ड जो अभी तक पुट टू यूज नहीं किया है वो ऐड कर दो। ईयर ऑफ पुट टू यूज इंपॉर्टेंट है, रेडी टू यूज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, पुट टू यूज इंपॉर्टेंट, कब पुट टू यूज किया, ठीक है। तो पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ले लो, उसमें एक्वायर की एक्चुअल कॉस्ट, उसका एक्चुअल कॉस्ट ऐड कर दो। तीन पार्ट में जो 180 डेज और मोर यूज किया वो, लेस देन 180 डेज यूज किया वो, और नॉट पुट टू यूज ले लो। लेस देन 180 डेज के बाजू में डेट दिया, ये याद रखना कि इसका मतलब ये कि 4 अक्टूबर, ये एक वो है ब्रेक इवन समझ लो कि इसके ऊपर 180 डेज, इसके नीचे लेस देन 180 डेज, ऐसा। इसके बाद जो सेलिंग प्राइस है एसेट का, कोई वो साल के अंदर आपने कोई एसेट सेल कर दी है तो वो आपको रिड्यूस हो जाएगा, पर उसमें कॉस्ट डब्ल्यूडीवी ये सब लेस नहीं होगा। जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब समझो बुक में एसेट दिख रहा था 5 करोड़ का, पर आपने सेल किया सिर्फ 1 करोड़ में, तो लेस 1 करोड़ होगा, ठीक है। उसके बाद अपने को लेस करेगा, क्या करना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे? जो अपना ऊपर डब्ल्यूडीवी आ गया उसमें से अपने को जो स्पेसिफिक रेट है, जनरली एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहता है, फिर भी हम लोग आगे देख लेंगे तो वो रेट लगा देंगे, तो वो आ जाएगा अपना क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ गया रहेगा। अभी आते हैं नेक्स्ट, प्रोवाइजो टू सेक्शन 32(1) डेप्रिसिएशन के प्रोवाइजो क्या है? पहला तो वही, अगर 180 डेज से कम है, अगर कोई एसेट 180 डेज से कम टाइम के लिए एक्वायर हुआ है तो उसके लिए जितनी भी रेट रहेगी उसका 50% रेट एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर 15% रेट है तो आपको 7.5% रेट मिलेगा। समझो 1 लाख का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, 1 लाख का आ रहा है डब्ल्यूडीवी, उस पर अपने को 15% रेट है तो 15% नहीं मिलेगा, 7.5% मिलेगा, दैट इज 75,000। और दूसरा प्रोवाइजो क्या है? इन केस ऑफ अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन, तीन केस। कौन सा? अमालगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, सक्सेशन हो गया। इसमें क्या होगा? इसमें अगर इसमें कैसा होता है? अगर अमालगमेशन समझो हो गया तो क्या पहले 2 अलग अलग कंपनी थी, बाद में एक हो गई। डीमर्जर क्या? एक बड़ी कंपनी थी उसमें से एक पार्ट अलग हो गया। सक्सेशन जो आपने पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह में जनरली देखा रहेगा सक्सेशन होता है, तो उसमें क्या है? उसमें जनरली कैसे होता है कि सब कुछ चेंज हो जाता है। तो पहले क्या अपने को 365 डेज के लिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल देना है, पहले एकदम नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालना है। उसके बाद क्या करना है? जितना दिन डिस्ट्रीब्यूट करना है इन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज, मतलब जो पुरानी कंपनी में जितना डेज यूज किया था और नई कंपनी ने जितना डेज यूज किया था, मतलब 100 डेज पुरानी ने किया था, 365 में से 265 न्यू ने किया, तो वो रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो 1 लाख × 100 डिवाइड बाय 365 ओल्ड को मिल जाएगा, 1 लाख × 265 डिवाइड बाय 365 न्यू को मिल जाएगा। इधर फिर लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? जिस दिन एसेट परचेज किया उस दिन से लेकर, मतलब जरूरी नहीं 365, अगर वो जून में किया है तो वो 90 डेज लेस हो जाएंगे ऊपर वाले, ठीक है। होप सो समझ के रहेगा। 2 प्रोवाइजो, पहला इंपॉर्टेंट है कि अगर रेस्ट्रिक्ट होगा 50% अगर 180 डेज से कम लिया, और दूसरा क्या अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन के केस में क्या होगा। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड वाले में, अमालगमेशन वाले में मॉड्यूल में, वो काफी इजी भी है प्लस वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो देख लेना। फिर क्या होगा? अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो उसमें कैपिटल गेन का इफेक्ट क्या होगा? मतलब अगर डेप्रिशिएबल असेट आपने दिया हुआ है और अगर वो हम लोग सेल कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल गेन का क्या इफेक्ट होगा? तो उसके लिए आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर पूरा ब्लॉक ही ट्रांसफर हो रहा है क्या है, और पूरे ब्लॉक में से कुछ पार्ट ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा? अगर समझो पूरा ब्लॉक का ब्लॉक ही ट्रांसफर हो जाता है, अगर पूरा ब्लॉक ट्रांसफर हो जाता है तो क्या होगा? तो पूरा ब्लॉक ट्रांसफर हो जाता है तो मतलब अभी असेट बची नहीं, तो पक्का या तो कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन में क्या, या तो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। या तो क्या होगा, कैपिटल गेन होगा या तो लॉन्ग कैपिटल लॉस होगा, हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा, लॉन्ग टर्म यहाँ पे कभी नहीं होगा। ये इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, हमेशा यहाँ पे शॉर्ट टर्म ही होगा। या तो देखो अभी पूरा ब्लॉक ट्रांसफर कर दिया तो अभी एसेट बचे ही नहीं, तो या तो कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा, और हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। तो अगर समझो गेन कब होगा, जब सेलिंग प्राइस आपका जो WDV था उससे ज्यादा हो जाएगा तो गेन होगा, और सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस होगा। ये आप इजीली ये इसमें से देख सकते हो, ये जो चार्ट दिया हुआ है इसमें आपको समझ जाएगा, ठीक है। अगर समझो कि पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर होता है तो क्या होगा, अगर पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर होता है तो क्या होगा, अभी इसमें आपको ये देखना है कि या तो अपना असेट रहना चाहिए या आपका WDV रहना चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो आपको, अगर असेट भी नहीं है समझो और WDV भी नहीं है तो आपको कैपिटल गेन होगा, या शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म तो होगा ही नहीं, शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। अगर मतलब समझो कि या तो एसेट भी नहीं है WDV भी नहीं है, अगर एसेट या WDV में एक कोई है तो आपको फिर डेप्रिसिएशन एज यूजुअल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हम लोग ने अभी देख लिया, ये रिपीट हो गया है। और अभी आते हैं रेट पे। रेट से पहले का पार्ट होप सो समझा, लास्ट में एक बार वापस पूरा क्विक रिवाइज करा दूंगा। रेट 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 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रेट है, मोटर व्हीकल का रेट है। मोटर व्हीकल का क्या रेट है, अगर मोटर व्हीकल, ये आप नीचे देख सकते हो 45, 30, 30, 15, ये आपको रिवाइज करने के लिए इजी होगा। तो 45 किसके लिए, 45% रेट सबसे ज्यादा रेट है। ये अभी देखोगे तो आप, अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डूब रहा था तो फिनेंस मिनिस्टर ने थोड़ा, ये अमेंडमेंट है खासकर ध्यान रखना, अपना MCQ वगैरह में किधर ना किधर तो ये पूछेंगे। अगर यूज किया बिजनेस ऑफ, अगर कोई मोटर व्हीकल है उसको किस लिए यूज कर रहे हैं, हायरिंग के लिए, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या रेट होगा वो अलग बात है, और कोई अदर मोटर व्हीकल है तो उस पर क्या डेप्रिसिएशन रेट होगा वो अलग बात है। तो अगर 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 बिजनेस ऑफ रनिंग ऑन हायर के लिए कर रहे हैं, और अगर मोटर व्हीकल एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, एक्वायर भी हो गया और पुट टू यूज भी हो गया, किस डेट से किस डेट के बीच में, 23 अगस्त से लेके 31 मार्च 2020, अगर ये स्पेसिफाइड डेट के बीच में एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज हो गया तो 45% डेप्रिसिएशन रेट मिलेगा। इतना हाई डेप्रिसिएशन रेट और कहीं नहीं मिलेगा। और अगर ये डेट के बीच में नहीं होता है तो भी यूज इन बिजनेस ऑफ हायर है तो 30% डेप्रिसिएशन रेट मिलेगा। वापस स्टार्ट करते हैं, मोटर व्हीकल की बात हो रही है, मोटर व्हीकल की बात हो रही है, यूज किसके लिए हो रहा है, बिजनेस के लिए हो रहा है, किसके बिजनेस के लिए, रनिंग ऑन हायर के लिए। अगर ये स्पेसिफाइड डेट के बीच में अगर आपको पुट टू यूज आपने कर लिया है तो 45% नहीं तो 30%, और अभी इसमें क्या हो रहा है कि 15% कम हो रहा है। जैसे अदर मोटर व्हीकल है और उसको स्पेसिफाइड डेट में आपने पुट टू यूज किया तो जो पहले 45% मिल रहा था वो अभी 30% मिलेगा, और अदर केस में 15% मिलेगा। बाकी रेट देखते हैं, बिल्डिंग की रेट क्या है। बिल्डिंग की रेट आपको एकदम मतलब एक बड़ी वाइड रेंज दिखेगी, जनरली बिल्डिंग पे 10% मिलेगा। सबसे कम डेप्रिसिएशन का रेट क्या होता है, 5%, वो भी बिल्डिंग को मिलेगा। कौन सी बिल्डिंग को, जो रेसिडेंशियल पर्पज के लिए जिसमें आप रह रहे तो वो उस पर आपको 5% मिलेगा, ठीक है। और जो नॉर्मल नॉर्मल बिल्डिंग 10%, और जो आपके टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हो उसके लिए 40%, फर्नीचर 10%, इंटेंजिबल एसेट 25%। तीन देख लेते हैं बिल्डिंग का क्या, मतलब 4 क्लास में से 3 क्लास तो अपनी होगी, फर्नीचर 10%, इंटेंजिबल एसेट 25%, और बिल्डिंग जनरली 10%, टेम्पररी स्ट्रक्चर है, इंफ्रा है तो 40%, और रेसिडेंशियल है तो 5%, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी, ने हम लोग ने ऊपर वाला देख लिया, अभी मोटर व्हीकल वाला, ठीक है। फिर मोल्ड्स यूज, अगर कोई रबर प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री में कोई मोल्ड यूज हो रहा है, कोई भी फैक्ट्री में, किसकी फैक्ट्री में, रबर की या प्लास्टिक की, मोल्ड यूज हो रहा है तो 30%, एरोप्लेन के लिए 40%, पॉल्यूशन इक्विपमेंट 40%, प्लांट एंड मशीनरी सेमी कंडक्टर इसके लिए 30%, लाइफ। ये सब आपको एक बार पढ़ना है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, जितनी बार पढ़ोगे वो इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे सबसे मैं ये देख रहा था विंडमिल वाला, ध्यान रखना कि अगर विंडमिल 31 मार्च 2014 से बिफोर इंस्टॉल हुआ है तो 15% मिलेगा, और उसके बाद हुआ है तो 40% मिलेगा। कंप्यूटर के लिए 40%, पर कंप्यूटर में ये याद रखना कि अगर कंप्यूटर के रिलेटेड और है प्रिंटर वगैरह तो उस पर 40% मिलेगा, बट मोबाइल EPBX वगैरह है तो उस पर 15% मिलेगा। बुक्स पे हमेशा 40% मिलेगा, और जनरल प्लांट एंड मशीनरी पे 15% मिलेगा, शिप पे 20% मिलेगा। तो होप सो ये रेट वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो अभी एक बार इसके बाद पूरा वापस एक बार समराइज कर देते हैं। हाँ, तो अभी तक जो किया वापस एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहले देखा था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस होता है ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर, भंगार डेफिनेशन था, जजमेंट था। बरेंद्र प्रसाद रे का क्या बोल रहा था कि डोमिनेंट इंटेंट प्रॉफिट का होना चाहिए। प्रोफेशन का क्या, प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन, वोकेशन में क्या एनी ऑक्यूपेशन, रिक्वायर एनी काइंड ऑफ स्किल, स्किल जरूरी है, डिग्री का जरूरी नहीं है। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 145 की बात की थी, जो पीजीबीपी और अदर सोर्स जिसका इनकम है वो मर्केंटाइल या कैश के जो भी रेगुलरली फॉलो करता है वो यूज कर सकता है। आईसीडीएस की बात की थी, वो अलग चैप्टर है, फिर देखते हैं। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन, दो चार्ज थे, जनरल चार्ज था, स्पेसिफिक। जनरल चार्ज इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, प्रॉफिट एंड गेन होना चाहिए, किससे होना चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन से होना चाहिए, कौन करना चाहिए, एसएससी करना चाहिए, कब, एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। फिर कुछ स्पेसिफिक देखे थे कि एक्सपोर्ट रिलेटेड क्या होता है, कीमैन, क्या कीमैन के बारे में बात की थी, ये तीनों कीमैन 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 बताया था, लॉजिक आपको पता होगा, नॉन कॉम्पीट और कंपेंसेशन। और फिर एफएमवी। फिर बात आ जाती है कि 29 क्या बोलता है कि भाई कंप्यूट कैसे होगा पीजीबीपी का इनकम, तो सेक्शन 30 से लेके 43D देख लो, वो एडजस्टमेंट कर लो, आपका पीजीबीपी कंप्यूट हो जाएगा। फिर बात आती है एक्सपेंस, एक्सपेंस किसके लिए होते हैं, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। 30 बोल रहा है एक्सपेंस रिलेटेड टू बिल्डिंग, 31 बोल रहा है एक्सपेंस रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। रेंट, रेंट किसके लिए अलाउड होगा, सिर्फ बिल्डिंग के लिए। रेट एंड टैक्स भी सिर्फ बिल्डिंग के लिए अलाउड होंगे। रेंट ऑब्वियसली बात है टेनेंट ही पे करेगा तो टेनेंट को अलाउड होगा। रेवेन्यू रिपेयर सबको अलाउड होंगे। कैपिटल रिपेयर अलाउड नहीं होंगे, पीएनएल में डिसअलाउ हो जाएंगे, पर आपका वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। अगर कोई कैपिटल रिपेयर कौन करता है, टेनेंट करता है, तो उसको डीम बिल्डिंग बोलेंगे, मतलब डीम बिल्डिंग मान लिया जाएगा, और नहीं है फिर भी मान लिया जाएगा, उसके ऊपर उसको डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। फिर बात आती है राउंडिंग ऑफ की, राउंडिंग ऑफ इनकम का, राउंडिंग ऑफ टैक्स का, राउंडिंग ऑफ किस में होगा, ₹10 में होगा, मल्टीपल ऑफ ₹10। फिर डेप्रिसिएशन के दो कंडीशन, यूज बेस्ड कंडीशन, ओनरशिप। यूज किसके लिए होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, प्रोफेशन के लिए होना चाहिए, एक्टिव भी चलेगा पैसिव भी चलेगा। ओनरशिप मैसूर मिनरल का केस लॉ याद रखना, बेनिफिशियल ओनर अलाउड होगा। ठीक है, लीज के केस में क्या होगा, हायर परचेस के, क्या लीज में हमेशा लेसर लेगा, हायर परचेस पे क्या होगा, हायर परचेस पे बिगिनिंग से मिल जाएगा। पार्ट ओनरशिप, तो जितना ओनरशिप है उतना % डेप्रिसिएशन मिल जाएगा और रिवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं देना है। फिर क्या था, डेप्रिसिएशन अलाउड होगा पुट टू यूज बेसिस पे, हमेशा पुट टू यूज बेसिस पे। पर चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसमें यह बताया हुआ था कि एबनॉर्मल केस जैसे इमरजेंसी स्पेयर वगैरह रखा हुआ है तो उसमें रेडी टू यूज पे मिल जाएगा। फिर 4 क्लासिफिकेशन देखा था, 4 तरीके के, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट। प्लांट एंड मशीनरी में 4 एक्सक्लूजन थे, याद रखना कि कौन सा, टी बूसेस एक्सक्लूड होगा, लाइव स्टॉक एक्सक्लूड होगा, बिल्डिंग्स एक्सक्लूड होगा, फर्नीचर फिक्सचर एक्सक्लूड होगा। फिर बात आ जाती है सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन, 2 सिस्टम है, कौन सा, डब्ल्यूडीबी मेथड है और एसएलएम मेथड है। एसएलएम किसके, पावर वालों के, ठीक है। डब्ल्यूडीबी किसके, डब्ल्यूडीबी बाकी सब एसएससी को मिलेगा। क्या होना चाहिए, सेम रेट होना चाहिए, सेम क्लास होना चाहिए। रेट जो आगे देखी थी, रेट तो सेम होना ही चाहिए पर क्लास भी सेम होना चाहिए। क्लास कैसे, अभी बिल्डिंग में समझो 2 टाइप की रेट है, प्लांट एंड मशीनरी में 2 टाइप की रेट है, तो रेट भी उसकी सेम होनी चाहिए और सब प्लांट एंड मशीनरी वाले ब्लॉक होने चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, अगर आपको क्वेश्चन के वीडियो चाहिए तो भी मैं बना सकता हूँ, कमेंट में लिख देना। फिर बात आती है कि कैलकुलेट कैसे होगा, पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ले लो। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, उसमें एक्चुअल कॉस्ट अभी ऐड हुआ है वो ले लो, मतलब जो एसेट खरीदे ना वो एक्वायर किए वो ले लो। पुट टू यूज 180 डेज और मोर का अलग कॉलम बनाओ, लेस देन 180 डेज का अलग कॉलम बनाओ, इसके ऊपर सिर्फ आपको 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। और नॉट पुट टू यूज का अलग बना लो, ठीक है। उसमें से जितना सेलिंग प्राइस है, कोई एसेट सेल किया तो उसका सेलिंग प्राइस लेस कर लो, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर लो, जितना भी आता है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल के सुनने से नहीं होने वाला है जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे। फिर आ जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। फिर बात करते हैं अपन, फिर अपना क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गया। फिर 2 प्रोवाइजो की बात हुई थी, 2 प्रोवाइजो में क्या था, डेप्रिसिएशन रेस्ट्रिक्ट होगा 50% तक, जो अभी ऊपर बात की, अगर 180 डेज से कम। अगर अमालगमेशन डीमर्जर सक्सेशन का केस है तो पहले क्या करो, पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालो, उसमें जितना दिन एसेट जिसने यूज किया उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसका क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में दिया हुआ, देख लेना। फिर अगर कैपिटल गेन्स है, इसकी बात करो, अगर कोई कैपिटल गेन्स होता है, कैपिटल गेन कब होता है, जब अपन को एसेट ट्रांसफर करते हैं, तो अगर यहाँ पे ब्लॉक है तो पूरा, अगर ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा है तो कैपिटल गेन पक्का होगा। कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा, हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा यहाँ पे। अगर पूरा ब्लॉक किया तो पक्का होना ही है। अगर गेन कब होगा, जब सेलिंग प्राइस डब्ल्यूडीवी से ज्यादा तो गेन होगा, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। फिर अगर पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर किया है तो क्या होगा, 2 चीजें देखनी है, डब्ल्यूडीवी भी है, अगर डब्ल्यूडीवी या एसेट दोनों में से दोनों नहीं है तो फिर कैपिटल गेन पक्का होगा, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म ही होगा। अगर डब्ल्यूडीवी या एसेट दोनों में से कोई एक है या दोनों है तो अपने को डेप्रिसिएशन नॉर्मल यूजुअली लेना है। फिर ये दूसरी बार आ गया है। फिर मोटर व्हीकल के केस में हम लोग ने डेप्रिसिएशन का रेट देखा था, ये हो गया, ठीक है। मोटर व्हीकल के केस में डेप्रिसिएशन देखा था कैसे 45 30 30 15, ये आपको याद रखने के लिए। अगर बिजनेस के लिए, कौन से बिजनेस के लिए, हायर के लिए, तो एक्वायर्ड और पुट टू यूज स्पेसिफिक डेट के बीच में अपन ने एक्वायर किया और पुट टू यूज कर दिया तो 45% मिलेगा और नहीं तो 30% मिलेगा। अदर मोटर व्हीकल है मतलब बिजनेस वाले केस में नहीं है तो उसका 15% कम मिलेगा। फिर अलग अलग टाइप की रेट देखिए, ये आपको पढ़ना है। विंडमिल का रेट एकदम इंपॉर्टेंट है, देख लेना। फिर एरोप्लेन शिप वगैरह का देख सकते हो, देखना ही है मतलब। और इंटेंजेबल का 25%, फर्नीचर का 10%। बिल्डिंग में क्या था, बिल्डिंग का जनरली 10 मिलेगा, अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर है तो 40, इंफ्रा के लिए तो 40 और बिल्डिंग मेनली रेसिडेंस के लिए तो 5%। होप सो ये रिविजन लेक्चर हेल्पफुल रहा रहेगा। हेल्पफुल रहा है तो लाइक दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।